नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सर्किट के बारे में समझते हैं। ये एसी का जो स्टेबलाइज़र होता है, यानी एसी में जो स्टेबलाइज़र यूज किए जाते हैं, उसमें देखिए जो ये डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में ये यहाँ पे आपको हाई और लो, यानी हाई वोल्टेज के समय और लो वोल्टेज के समय और ये फाल्ट के समय ये इंडिकेट करके बताता है कि ये हमारा कंडीशन कैसा है इस स्टेबलाइज़र का। तो सारे कंडीशन को ये डिस्प्ले के रूप में आपको शो करके बताता है। और ये जहाँ एसी लगे होते हैं, अक्सर आप देखते होंगे दीवारों में, इस समय आपको स्टेबलाइज़र देखने को मिलता है, जिससे हम दूर से ही डिस्प्ले पे देखकर जान सकते हैं, ठीक है, कि इसका कंडीशन क्या है। क्योंकि एसी के लिए देखिए वोल्टेज जो है उसमें अगर कम वोल्टेज रहेगा तो एसी नहीं चलता है। तो इसके लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसके लिए जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम है वहाँ पे स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर आपको दिखा दें, ये जैसे यहाँ पे 5 सप्लाई यूज की गई है। अभी इसको हम समझते हैं कि जैसे ये किसी कंपनी या किसी इंजीनियर के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। अब इसके डिज़ाइन को कैसे हम समझते हैं कि किस काम के लिए ये 5 सप्लाई क्यों यूज की गई है। अब यहाँ पे ये बात आ जाता है कि अब जिसने इसको डिज़ाइन किया उसका तो कोई यूट्यूब चैनल है नहीं, या कोई यहाँ पर कोई बता तो रहा नहीं है कि हमने इसलिए बनाया है। लेकिन इसको हम कैसे जानते हैं, यानी सर्किट की समझ कैसे हमारे अंदर डेवलप होती है कि ये 5 सप्लाई की ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसको हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए ये यहाँ जो इन हो रहा है, ये सॉकेट जो है ये ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, और इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 वायर यूज किया गया है, यानी 4 तार यूज किया गया है जो कि ट्रांसफार्मर से आया है। 2 तार और आए हैं, यानी 2 वायर और आए हैं जो कि यहाँ पे सेंसिंग के लिए लगाए गए हैं, उसको हम इसमें नहीं दिखाएं, अगले हम उसमें सर्किट में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये किस मेथड से ये डिज़ाइन किया गया है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, यानी 2 वायर जो आ रहे हैं, ये हमारा 12 वोल्ट बना रहे हैं, यानी 12 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। दूसरा, यहाँ पे 2 सप्लाई इन हो रही है जो कि एक 30 वोल्ट है और एक इससे कम है, वो हम अगले सर्किट में बताएंगे वोल्टेज सहित, अभी इसमें इसकी वैल्यू भी नहीं दी है। तो यहाँ पे जो ये सप्लाई बन रही है इस डायोड के द्वारा, तो इसके रिले को ड्राइव करने के लिए बन रही है। तो इसको हम जो है यहाँ ये दोनों सप्लाई जो है यहाँ इस रिले में इंटर होके और यहाँ पे एक सप्लाई बना रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक सप्लाई ये हो गई। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी यहाँ पे बनती है, तो एक नंबर हो गया। फिर दूसरा, यहाँ 12 से यहाँ पे 5 वोल्ट बना, ये 5 वोल्ट हमारा हो गया 2। फिर इसके बाद जो है यहाँ से इस 12 वोल्ट से फिर यहाँ पे 9 वोल्ट बना, फिर 9 ये हो गया 3, फिर यहाँ 9 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट बना, ये हो गया 4, फिर यहाँ पे जो है ये हो गया 5। तो टोटल 5 सप्लाई हुई। अब यहाँ पे 5 यानी 7805 यानी 5 वोल्ट की 2 सप्लाई बन रही है, जो कि एक ये है और एक ये है। तो ऐसा क्यों है, इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले है, जो सबसे पहले आपको उस स्टेबलाइजर के सारे कंडीशन को शो करके बताता है कि उसकी कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है। तो इसमें वोल्टेज भी शो करते हैं, इनपुट आउटपुट वोल्टेज शो करते हैं, लो हाई कंडीशन में भी शो होता है, और एरर के समय यानी फॉल्ट के कंडीशन में भी ये शो करके बताता है। तो ये सारे कंडीशन को शो करता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो वोल्टेज डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर 5 वोल्ट का, ये इसके लिए जाता है। यहाँ पे एक आईसी भी यूज की गई है जो कि इसको सेपरेट रखा गया है, यानी अलग रखा गया है इस 5 वोल्ट को, कि कोई भी अगर वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉपिंग होता है, मान लीजिए ये कैपेसिटर हमारा वीक हो गया या किसी कंडीशन में फॉल्ट हो गया, तो सारे सप्लाई को अलग करने का मेथड ये है कि इस पर कोई जो है इफेक्ट ना हो। तो ये कंटिन्यू इसको जो डिस्प्ले शो कर रहा है यहाँ पे कोई भी अंतर ना आए, क्योंकि ये जो सिस्टम है, सिस्टम आईसी के लिए ये सेपरेट अलग किया गया है 5 वोल्ट, कि यहाँ पे भी फिक्स वोल्टेज होना चाहिए। क्योंकि इस वोल्टेज में ज़रा सा भी डिफरेंस होता है तो, क्योंकि डिजिटल है तो इसमें काफ़ी सारे सिस्टम में फ्लक्चुएशन होता है और सब में डिफरेंस हो जाता है, अंतर आ जाता है। तो इसको सेपरेट बना के जो है अलग, इसके आईसी के लिए ये एक अलग सप्लाई दी गई, डिस्प्ले के लिए अलग दी गई, यानी 2 5 वोल्ट बना जो कि इस आईसी सिस्टम आईसी को अलग किया गया और डिस्प्ले को अलग किया गया, क्योंकि डिस्प्ले पे भी
ये इसमें वोल्टेज ड्रॉपिंग होती है, तो दोनों को यानी ड्रॉप ना हो, यानी दोनों का परफेक्ट वोल्टेज मिलता रहे, जिससे ये सिस्टम हमारा ठीक तरीके से काम करे। अब अगर किसी कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस होता है कैपेसिटर फॉल्ट होने पे, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है कि ये फॉल्ट यहाँ पे ही ज़्यादा आता है इस कैपेसिटर में, तो इसमें रिले ड्राइव में डिफरेंस होगा, उसमें डिफरेंस होगा, तो वो जो अंतर आएगा उससे सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे डिस्प्ले पे आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या कंडीशन है। अगर फॉल्ट होगा तो आपको यहाँ पे सही करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक और बात आ जाती है, जैसे कि दो सप्लाई बनाई गई, तो ये 9 वोल्ट क्यों बनाया गया और यहाँ 12 वोल्ट से इसे क्यों मतलब डिस्प्ले पे लिया गया, इसका भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले पे ही सबसे पहले जो शो करना होता है, जो लाइट होती है, मान लीजिए वोल्टेज बहुत ड्रॉप है तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये ड्रॉपिंग को कवर करने के लिए तो सबसे पहले इसके वोल्टेज को 9 वोल्ट ना करके 12 वोल्ट से ही इसे 5 वोल्ट बना लिया गया, कि इसमें जो डिस्प्ले में जो वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए वोल्टेज और इस IC के लिए दोनों जगह को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसको 12 वोल्ट से ही इसे रन करा दिया गया सप्लाई को। फिर दूसरा यहाँ पे 9 वोल्ट बनाया गया, 9 वोल्ट बनाकर फिर इसको दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम को इतने एम्पियर की ज़रूरत नहीं है, इतने वोल्टेज को इसको अलग कर लिया गया, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज अधिक ना हो तो यहाँ इससे जो है हमारा जो 9 वोल्ट यहाँ पे किया गया, कि इसका जो एम्पियर है वोल्टेज है इस IC के लिए जो परफेक्ट जाना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्शन के रूप में सबसे पहले ये जो है 9 वोल्ट बनाया गया, 9 वोल्ट बना के फिर जो है 5 वोल्ट बनाकर इस IC को दिया गया, तो इसमें टोटल सिस्टम मतलब परफेक्ट तरीके से काम करे, यानी इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो फॉल्ट ना आए, या किसी कंडीशन में अगर कोई फॉल्ट भी होता है तो डिस्प्ले पे सबसे पहले इंडिकेट करे। और एक AC के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है ये स्टेबलाइजर, एक बहुत अच्छा स्टेबलाइजर होना चाहिए। देखिए ये सब सारे जो सिस्टम है ये नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये ग्रिड से आने वाली जो सप्लाई है ये हमारे कंट्रोल में तो होता नहीं कि यहाँ पे फिक्स आए, ये कभी भी अचानक ड्रॉप भी हो सकते हैं, हाई भी हो सकते हैं, यानी किसी कंडीशन में रियर कंडीशन में फॉल्ट भी हो सकते हैं, तो हमारी जो कंट्रोलिंग होती है यानी इसके द्वारा जो अपना हम कंट्रोल करते हैं, तो वो सर्किट डिज़ाइन की वजह से हम कंट्रोल करते हैं, और इसका एक समझ लीजिए कि अनुमान लगाते हैं कि इतना से इतना मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जैसे कि आप AC में देखते होंगे जो इसकी कैपेसिटी होती है उसका जो मेन लो से और हाई, यानी जैसे हमारा 110 वोल्टेज है या 90 वोल्टेज है, यानी मिनिमम से हम जो है मैक्सिमम तक का जो है रीडिंग लेकर एक चलते हैं, उसके बीच की जो सारी कंट्रोलिंग होती है उस सिस्टम के अनुसार ही इसको डिज़ाइन करते हैं हम।